अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ ग्रीन मलाई चिकन टिक्का मसाला। बहुत ही आसानी से बनने वाली बहुत ही आला डिश है। एकदम सॉफ्ट जूसी चिकन ग्रीन ग्रेवी में डूबे हुए इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके सभी मसाले आपको अपने किचन में मिल जाएंगे, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम घर पे टिक्का मसाला बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लेंगे, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ले लेंगे और साथ ही इसमें हम 4 लौंग ले लेते हैं और 1 टुकड़ा दालचीनी का ले लेंगे 1 इंच के बराबर। साथ ही इसमें हम ले लेते हैं 3 छोटी इलायची और ये हमने थोड़ा सा जावित्री ले लिया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 6-7 दाने कबाब चीनी के लेंगे, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और खुशबू भी आएगी। 1 टीस्पून काली मिर्च ले लेंगे और 1/3 स्पून अजवाइन ले लेंगे। अजवाइन से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। 3 सूखी मिर्च ले लेते हैं और सारी चीज़ों को 2 मिनट हम इसको रोस्ट कर लेंगे मीडियम आंच पर, इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसको हम ठंडा करके इसका पाउडर बनाएंगे। तो अब इसको हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देते हैं। साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी है जिसको हमने रोस्ट कर लिया है हल्का सा, इसको भी शामिल करके पाउडर बना लेंगे, साथ में ही बना लीजिएगा। तो इस मसाले को हम साइड पे रखते हैं। बहुत ही मज़ेदार टिक्का मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अगर आप रेड टिक्का बना रहे हैं तो इसमें काश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च शामिल कर लें। होममेड टिक्का मसाला आपका रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर ले लिए हैं 700 ग्राम चिकन जिसको हमने वॉश कर लिया है और लेग पीस में हमने इस तरह से कट लगा दिया है जिससे ये अंदर तक पक जाएंगे। चिकन को वॉश करने के बाद हमने 5 मिनट व्हाइट विनेगर में रख दिया था, फिर इसका पानी हमने छान लिया है। ऐसा करने से चिकन हमारी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनती हैं। अब इसमें हम टिक्का मसाला शामिल करेंगे 2 टीस्पून और इसमें हम शामिल कर देंगे 2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। इसको हमने पानी डाल के इस तरह से पीस लिया है, तो तीखा आप अपने पसंद से डालिएगा। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हरा टिक्का मसाला बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने हरा रंग डाला है, थोड़ा सा हरा रंग हमने पानी में घोल के डाल दिया है। 1 नींबू का रस डाल देंगे और यहाँ पर हम 1 चम्मच दही डाल देंगे, तो ये 1 टेबल स्पून दही है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें हम टेस्ट के मुताबिक 1 टीस्पून नमक भी शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसे आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें, इस तरह से मैरिनेट करके बनाएंगे तो चिकन हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो चुका है, चिकन हमारी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी हैं। फ्राई करने से पहले इसको एक बार फिर से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, इसके जो जूस नीचे चले जाएंगे वो सब चिकन में आ जाएंगे अच्छे से, नींबू और दही का जो पानी होता है। तो यहाँ पर गैस पे हम एक पैन चढ़ा देंगे, गैस की फ्लेम हम लोग मीडियम रखेंगे और इसमें 1/2 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम 1-1 करके चिकन के पीस डाल देंगे। तो एक बार में जितने पीस आए उतने ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, ज़्यादा चिकन होने से चिकन हमारे पानी छोड़ देंगे, इसलिए इतने ही डालेंगे। 2 मिनट इसे कवर करेंगे। तो इसको हमने 4 मिनट एक साइड रखा था, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए एक साइड ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अब दूसरी साइड भी हम 4 मिनट ऐसा ही रखेंगे और देखिए इस पर कैसा टिक्के जैसा गोल्डन मार्क्स आ गए हैं, इससे ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। बाकी के भी चिकन इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग हरा मसाला बना लेंगे ग्रेवी के लिए। तो 1 मुट्ठी हमने धनिया ले लिया है, 1 मुट्ठी पुदीना, इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। तो हमने यहाँ पर 3 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया है, आप यहाँ पर साबुत हरी मिर्च ले सकते हैं, हमारे पास पेस्ट रखा हुआ था वही ले लिया है। और 2 टीस्पून हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे, आप यहाँ पर साबुत अदरक लहसुन भी ले सकते हैं। 7-8 हम काजू ले लेते हैं और ये जो बाकी के दही बचे हुए थे उसको ऐड कर लेते हैं। तो कुल दही यहाँ पर 1/2 कप है, 1 बड़ा चम्मच दही मैरिनेट में इस्तेमाल किया था। थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे ग्रीन कलर और इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। जो टिक्के का ऑयल बचा हुआ है उसी को हम यहाँ पे कढ़ाई में गरम करेंगे और साथ ही इसमें पूरा पेस्ट डाल देंगे
और ये जो थोड़ा सा मैरिनेशन का मसाला बचा हुआ था उसको भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इस टिक्का मसाला में हम कोई प्याज और कोई साबुत मसाला नहीं ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बाकी के सारे मसाले इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखना है, मीडियम आंच पर इसे पकाएंगे। तो छींटे बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं तो 2-3 मिनट के लिए कवर करेंगे। उससे पहले 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं जो इसमें मिक्सर ग्राइंडर में भी लगा हुआ था और इस प्याले में भी। तो अब इसको हम मिक्स करके 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ग्रीन कलर इसका ब्लैक हो जाएगा। तो 2-3 मिनट हमने मसालों को पकाया है। तो ये देखिए ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है हमारी। मुश्किल से 4-5 मिनट लगे होंगे ग्रेवी को पकाने में। अब इसमें हम सारी चिकन ऐड कर देते हैं, साथ ही जो इसमें ये पानी और ऑयल था इसको भी ले लेते हैं, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम थोड़ा सा लो करिएगा, फिर बाद में मीडियम कर दीजिएगा। इसको हमने मिक्स करके 1 मिनट पका लेना है। फिर इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी के लिए इतना पानी परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं होती है, बस हल्का सा। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम थोड़ा सा मीडियम करेंगे और इसे हम 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। चिकन हमारी पहले से ही अच्छी खासी पकी हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ग्रेवी भी पकी हुई थी। तो 3 मिनट के बाद हम इसको इस तरह से चेक कर लेते हैं और गैस की फ्लेम एकदम लो कर देंगे यहाँ पर। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं क्रीम। तो यहाँ पर हमने अमूल की क्रीम ले लिया है, आप अपनी मर्जी से जो भी क्रीम हो वो डाल सकते हैं, दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून ले लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में फिर हमने 1 टीस्पून डाल दिया था, तो कुल मिला के यहाँ पर हमने 5 टेबल स्पून क्रीम का इस्तेमाल किया है। तो आप अपनी मर्जी से जितना आपको पसंद है उतना ऐड कीजिएगा। अब अच्छे से क्रीम को हम लोग मिक्स कर लेते हैं और सिर्फ 2 मिनट इसे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। धीमी आंच पर इसे कवर करके छोड़ देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सिल्की ग्रीन ग्रेवी रेडी हो चुकी है और चिकन में भी एकदम अच्छे से लग चुकी है। चिकन हमारे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने हुए हैं। एक बार ये ग्रीन ग्रेवी वाले चिकन टिक्का मसाला ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएंगे। तो इसको हमने सर्व कर लिया है, थोड़ी सी क्रीम ऊपर से डाल देते हैं, देखने में भी बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगते हैं। हरे भरे से ग्रीन ग्रेवी में डूबे हुए चिकन एक बार ज़रूर ट्राई करें। अपने चिकन के बहुत तरह से रेसिपी ट्राई की होगी, लेकिन एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि रेसिपी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।